हेलो गाइस, आई एम जरक्षा जेब और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल जरक्षा चंद। फ्रेंड, आज मैं आप लोगों को जो गिलास फ्रंट बनाना सिखाऊंगा, यार जी मैं रिक्वेस्ट डिमांड पे गिलास फ्रंट बनाने जा रहा हूँ। इस गिलास फ्रंट की बहुत रिक्वेस्ट, बहुत डिमांड आई है, ठीक है। बहुत फ्रेंड्स ने कहा है कि भाई इस टाइप का गिलास फ्रंट बनाएं, जल्द से जल्द बनाएं। तो यार सोचा आज ही आप लोगों के लिए ये वीडियो अपलोड कर दूँ। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या है, यहाँ पर पिक्सल ऐप को ओपन करना है। वीडियो एंड तक देख के जरूर जाइएगा। जो मेरे चैनल पर न्यू प्लेस, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ बेल आइकन भी लाजमी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरी न्यू वीडियो का हमेशा आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो अब आप लोगों ने करना है कि यहाँ पर आपने नेम टाइप करना है, तो सारे स्टेप्स आप लोगों ने फॉलो करने हैं और मुझे आप लोगों ने ये बनाकर दिखाना भी है। इंस्टाग्राम पर आप मुझे भेज सकते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज सकते हैं, लिंक दोनों का डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं नेम टाइप करूँगा सोनी, ठीक है। सोनी लिखने के बाद आपने ए बी वाले ऑप्शन में आ जाना है, ठीक है। यहाँ पर आपने आने के बाद आपने माई फॉन्ट में आना है। यहाँ पर देखे मैंने बहुत सारे फॉन्ट ऐड किए, अगर आप भी इस तरह के फॉन्ट ऐड करना चाहते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों ने चले जाना है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। वो वीडियो देखकर आप यहाँ पर बहुत ही इस तरीके के साथ ऐड कर सकते हैं। यार ये रिक्वेस्ट डिमांड पे गिलास फ्रंट बना रहा हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा जो मेरे चैनल पर न्यूज पहली बार आए हैं, ठीक है। यहाँ पर ये वाला फॉन्ट मैंने इस पर लगा लिया। अब आप लोगों ने यहाँ पर इसकी पैडिंग कर देनी, लेफ्ट पैडिंग राइट पैडिंग, और इसका साइज़ इंक्रीज़ कर देना है, ठीक है। साइज़ इंक्रीज़ करने के बाद आप लोगों ने करना क्या, बाकी यार पैंडिंग में कुछ रिक्वेस्टें पड़ी हुई हैं, कुछ फ्रेंड ने कहा है कि भाई ये इस तरह के गिलास ना बनाएं, तो बाकी यार अभी टाइम नहीं मिला, ठीक है। पैंडिंग में रिक्वेस्ट हैं 3-4, तो इंशाल्लाह जब भी मुझे टाइम मिला मैं उस पर भी गिलास फ्रंट बनाऊंगा, ठीक है। तो कुछ लोगों ने कहा हुआ कि भाई इस टाइप के गिलास फ्रंट बनाएं, तो वो मैंने स्क्रीन शॉट ले कर रखे हुए हैं, लेकिन जल्द से जल्द उस पर भी मैं वीडियोस बनाने वाला हूँ। यहाँ तक हो गया। अब आपने शेप में आना है और इसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट कर देना है, ये देखना जो पीछे डब्बे से बने रिमूव हो जाएगा बैकग्राउंड। अब आपने कार्ड में आना है, सेव एज इमेज पर क्लिक कर देनी है, इसको आप लोगों ने अल्ट्रा में रखकर सेव टू गैलरी कर देना है, ये आपका नेम गैलरी में सेव हो जाएगा। अब आप लोगों ने करना क्या है, पी एस टच में आना है, तो मैं जल्दी जल्दी में पी एस टच ओपन कर दे। अच्छा फ्रेंड, तो यहाँ पर पी एस टच में मैं आ गया हूँ। सबसे पहले आपने करना क्या, प्लस पर आना है, फोटो लाइब्रेरी में आना है और यहाँ पर वो फोल्डर ढूंढना है जिसमें आपकी पिक पड़ी है, ठीक है। यहाँ पर मैं सबसे पहले तो पिक ले लेता हूँ। पिक लेने के बाद आप लोगों ने करना क्या है, नेम ऐड करना है। यहाँ पर मैंने पी एस सी सी वाले फोल्डर में पिक रखी, यहाँ पर मैं ये वाली पिक ऐड कर देता हूँ। अगर ये वाली पिक आप लोगों को चाहिए तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को ये वाली पिक प्रोवाइड कर दूंगा। अब आप लोगों ने यहाँ पर नेम ऐड कर लेना है। तो बाकी यार अगर आप अदर वीडियोस मेरे चैनल पर देखना चाहते हैं, तो मैंने प्लेलिस्ट भी बनाई है, मेरी प्लेलिस्ट पर चले जाएं और डिस्क्रिप्शन में मैंने तकरीबन 5-6 वीडियोस का लिंक दिया, वो भी देख लें। बाकी आप मेरे चैनल का विजिट कर सकते हैं, हर टाइप का मेरे चैनल पर गिलास फ्रंट मौजूद है, ठीक है। तो बाकी जो ओल्ड वीडियोज़ हैं, हो सकते हैं आप लोगों ने ना देखी हूँ, जो भी मेरा न्यू व्यूवर सब्सक्राइबर आते हैं वो यार उनके पास यही शो होती हैं न्यू, ठीक है। ओल्ड वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी अभी तक, ठीक है। बहुत सारी वीडियोज़ हैं गिलास फ्रंट की, तकरीबन 700-800 के करीब वीडियोज़ हैं, ठीक है, वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब आप लोगों ने करना क्या, ठीक है, ये फॉन्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो फॉन्ट मैंने यहाँ पर यूज़ किया, ठीक है, बहुत ही प्यारा और अमेजिंग टाइप का फॉन्ट है, मुझे बहुत पसंद आया है, ठीक है। सच यार इस पे ग्लास फ्रंट की ज़रूर वीडियो बनाएं। इस ग्लास फ्रंट की मुझे बहुत रिक्वेस्ट, बहुत डिमांड आई थी, ठीक है, बहुत लोगों ने कहा, तब मैं ये ग्लास फ्रंट बना रहा हूँ। अब आप लोगों ने करना क्या, कोई लेयर बाई नहीं करनी, इसी लेयर को सिलेक्ट रखना है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों ने यहाँ पर आना है एफ एक्स में, ठीक है। एफ एक्स में आने के बाद आपने करना क्या है, और यहाँ पर सिंपली आपने बेसिक में आना है। बेसिक में आके करना क्या, आपने यहाँ पर आ जाना है बेवल में। आप लोगों ने स्टेप्स फॉलो करने हैं, ठीक है। ये वाला ग्लास ना मुझे बनाकर आप लोगों ने दिखाना भी है, मैं आप लोगों को खुद डिटेल चेक करूँगा। आप इंस्टाग्राम पर मुझे भेज सकते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप में भेज सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गया। यहाँ तक होने के बाद आपने बेवल में आना है। यहाँ पर कलर इसका वाइट ही रहने देना है, ठीक है, कलर वाइट रहने देना है। और इसका जो एंगल है ये आप लोगों ने 19 पे रहने देना है, और इसका जो ब्लर है ना ये 25 पे कर देना है, और इसकी जो डिस्टेंस है ना ये आपने 15 तक कर देनी है, ठीक है। ब्लर 25 और डिस्टेंस 15, एंगल 19, कलर वाइट और ओके कर देना है, ठीक है। फिर आपने बेवल में आना है, सॉरी सिलेक्ट पिक्सल हो गया, आप लोगों ने बेवल में आना है, ठीक है। और डिस्टेंस ब्लर वही रहने देनी है, कलर भी वही रहने देना, लेकिन इस दफ़ा इसका एंगल 135 पे कर लेना है। यहाँ तक हो गया। अब आप लोगों ने टू लाइंस पे आ जाना है, ठीक है। टू लाइंस पे आने के बाद आप लोगों ने कर्ज ले लेनी है, कर्ज की आपने तकरीबन ये वाली सेटिंग रख लेनी है, ठीक है। इसको यहाँ पर आपने खींच कर लेकर आ जाना है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अच्छा, यहाँ तक होने के बाद आप लोगों ने इसी लेयर को सिलेक्ट अब कर देना है और ये वाला बुरश सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। ये वाला बुरश आप लोगों ने सेलेक्ट कर देना है और इसको
हाइड कर देना है, ठीक है। कंटिन्यूस की टेक ऑलरेडी हाइड है, तो आप लोगों ने हाइड करना है। ये जो बैर इसके ब्लैक सा बना हुआ है ना, ठीक है, इसको आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर इसको सेलेक्ट जैसे ही करेंगे, लेकिन ये हाइड होनी चाहिए। ये ऑन हुई तो ये एक दफ़ा सेलेक्ट करेगा, मतलब एक बार में करेगा। अच्छा, यहाँ पर सारे सेलेक्ट मैंने कर लिया। अच्छा, यहाँ तक होने के बाद अब आप लोगों ने करना क्या, आप लोगों ने प्लस पर रहना है और यहाँ पर लेयर फ्राम सेलेक्शन कर देनी है, ठीक है। लेयर फ्राम सेलेक्शन, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आप लोगों ने एंड वाले ऑप्शन में आना है, और यहाँ पर एंड वाले ऑप्शन में आने के बाद आप लोगों ने करना क्या, फिल एंड स्ट्रोक में आ जाना है, फिल एंड स्ट्रोक में आ जाना है, और यहाँ पर आप लोगों ने स्ट्रोक ले लेनी है और ओके कर देना है, पिक्सल डी सेलेक्ट कर देना है। अच्छा, यहाँ तक तो हमारा तकरीबन नेम कंप्लीट हो गया, स्टेप्स हमारे कंप्लीट हो गए, ठीक है। यहाँ तक हमारा जो हमारा अगला स्टेप्स है, ठीक है, यहाँ तक तो हमारा नेम तकरीबन हाफ से भी थोड़ा सा कंप्लीट हुआ है। अब आप लोगों ने करना क्या, यहाँ तक होने के बाद आपने नीचे आ जाना है, ठीक है, नीचे वाली लेयर में, इस लेयर में आ जाना है। इस लेयर में आने के बाद आप लोगों ने करना क्या, आप लोगों ने एफ एक्स में आना है। एफ एक्स में आने के बाद आप लोगों ने बेवल में आ जाना है। बेवल में आने के बाद आप लोगों ने करना क्या, ब्लार और डिस्टेंस वही रहने देनी है, और ये सॉरी ये 15 पे करनी थी, ठीक है। और ये जो एंगल है ना, इसका 135 पे रहने देना है। फिर आप लोगों ने एफ एक्स में आना है, और इसका जो बेवल है ना, इस दफ़ा इसका बेवल 45 पे कर लेना है। यहाँ तक हो गया। यहाँ तक होने के बाद अब आपने यहाँ पर टू लाइन्स पे आना है, और यहाँ पर आप लोगों ने फिर कर्व्स ले लेनी है, ठीक है। कर्व्स लेने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर पहले आना है, और इसकी सेटिंग तकरीबन यहाँ पे रखनी है। ये सेटिंग आप लोगों ने ध्यान से देखना, ये सारी सेटिंग का ही कमाल होता है। अगर सेटिंग आप ठीक तरह से नहीं बैठ रखेंगे तो आपका नेम नहीं ठीक बनेगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया। यहाँ तक होने के बाद आप लोगों ने करना क्या, यहाँ पर इसको लेकर आ जाना है, ठीक है। यहाँ पर इसको रखना है, और इसको तकरीबन आप यहाँ पर भी रख सकते हैं, जैसे भी आपको ठीक लगे आप रख सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको रखूँगा। यहाँ पे रखने के बाद अब आप लोगों ने करना क्या, ऊपर वाली लेयर में आना है। ऊपर वाली लेयर में आने के बाद आपने एफ एक्स में आना है और बेवल में आना है। ब्लार डिस्टेंस वही रहने देनी, एंगल इसका 45 पे रहने देना है। फिर आप लोगों ने एफ एक्स में आना है और बेवल में आना है। इस दफ़ा इसका एंगल 135 पे कर लेना है। फिर आप लोगों ने टू लाइन्स पे आना है और यही कर्व्स ले लेनी है, ठीक है। एक दफ़ा लग गई, फिर आप लोगों ने आना है, फिर इस पर कर्व्स लगा लेनी। दो दफ़ा हो गई, फिर आप लोगों ने आना है, फिर आप लोगों ने कर्व्स लगा लेनी। तीन दफ़ा हो गई, और ये चार दफ़ा हो गई, और ये पांच दफ़ा हो गई। मैंने पांच दफ़ा लगा ली कर्व्स। आप कम या ज़्यादा भी लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। अगर ये आपको कम लगती तो आप दो दफ़ा और लगाना। ये छः दफ़ा हो गई और ये सात दफ़ा हो गई। अब ठीक है, अब आप लोगों ने नीचे वाली लेयर को सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पर, ठीक है। और आपने सेलेक्ट पिक्सल कर लेना है। सेलेक्ट पिक्सल करने के बाद आप लोगों ने करना है कि आपने सेलेक्ट पिक्सल में आना है। आप लोगों ने यहाँ तक होने के बाद आप लोगों ने करना कि आपने प्लस पर रहना है, एम्प्टी लेयर ले लेनी। एम्प्टी लेयर लेने के बाद आपने एंड वाले ऑप्शन में आ जाना है। एंड वाले ऑप्शन में आने के बाद आपने फिल एंड स्ट्रोक में आना है, और यहाँ पर आप लोगों ने स्ट्रोक लेनी है, और यहाँ पर इसकी जो वेथ है ये सिर्फ 10 पे रख लेनी है। सिर्फ 10 पे रखने के बाद आप लोगों ने करना क्या है, पिक्सल डी सेलेक्ट कर देना है। एफ एक्स में आना है और बेवल में आना है। इसका जो ब्लर है ना, ये 2 पे कर लेना, और इसकी जो डिस्टेंस है ना, ये 5 पे कर लेनी है, ठीक है। और इसका ब्लर भी 5 पे करें, सॉरी 5 दोनों करें। और इसका जो एंगल है ना, ये आप लोगों ने जितना भी रखना चाहें रख सकते हैं, ठीक है। इसका 135 पे किया है पहले, ओके कर दिया। फिर आपने बेवल में आना है। इस दफ़ा इसका बेवल जो है ना, ये आपने एंगल जो है ना 45 पे रख लेना है। फिर टू लाइन्स पे आना है और कर्व्स में आना है, और यही सेटिंग आप लोगों ने रख लेनी है। अगर आप लोगों को ये ठीक ना लगे तो आप अदरवाइज़ कोई और सेटिंग भी रखना चाहें आप रख सकते हैं, ठीक है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप ये वाली सेटिंग रखें। ये वाली सेटिंग मैंने रख ली तकरीबन, इसको यहाँ पे रख लें तकरीबन, इसको थोड़ा सा पकड़ कर ऊपर ले जाएं, यहाँ पे मैंने रख ली। अब आप लोगों ने करना कि आपने एफ एक्स में आना है, फोटो में आना है, और ओल्ड सेपिया में आना है, ठीक है। इसकी इंटेंसिटी फॉलो कर देनी और सैचुरेशन भी फॉलो कर देनी, ठीक है। ये कुछ इस टाइप की बन जाएगी। जहाँ तक हो गया हमारा काम मुकम्मल, ठीक है। यहाँ पर तकरीबन हमारे स्टेप्स मुकम्मल हैं। अब आप लोगों ने करना है कि इसको ऊपर कर देना है, ठीक है, सबसे ऊपर, ठीक है। बाकी जो मैंने फ़ॉन्ट यूज़ किया इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी जो कुछ मटेरियल वगैरह पीएनजी यूज़ करूंगा उनका भी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आप लोगों ने करना क्या है, ठीक है, यहाँ पर आपने आ जाना है सेकेंड लेयर में, ठीक है, और एफ एक्स में आना है। एफ एक्स में आने के बाद आप लोगों ने करना क्या है, बेसिक में आना है और टेंट में आना है। यहाँ पर कलर कोई भी रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने गोल टाइप का आप लोगों को थंबनेल पर दिखाया, तो मैं यहाँ पर वो ही लूँगा, ठीक है, यहाँ पर ये वाला, ठीक है, इसको फॉलो कर दूँगा।
सनी आफ्टरनून में आना है और इसको फॉलो कर देना है। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब जो जो बीच में है इसमें मैंने आप लोगों को एक सियान टाइप का दिखाया है, आप रेड रख सकते हैं, सियान कोई भी रखना चाहें आप रख सकते हैं। अब आपने टू लाइन्स पे आना है, टू लाइन्स पे आने के बाद आप लोगों ने करना है कि आपने यहाँ पर कलर बैलेंस में आना है, और कलर बैलेंस में आने के बाद आपने इसका ग्रीन फॉलो कर देना है 100 पे और ब्लू भी 100 पे कर देना। ये आप लोगों ने सेटिंग देख लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखना सियान आ गया है, ये इसकी सेटिंग आप मतलब है आगे पीछे इसको करना चाहें आप कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोगों को ये लगे ना कि इसमें ये लाइनें कम हैं, ठीक है, ये जो लाइन बनी जिस पर ये मैं मार्क लगा रहा हूँ तो ये आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पर टू लाइन्स पे आकर इसमें कर्व्स और लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखना इसमें लाइन ज़्यादा आ गई है, ठीक है, और ब्लैक टाइप हो गया। अब सॉरी, यहाँ पर वो वाला आप इफेक्ट लगाएंगे ना तो अब यहाँ पर देखिए कुछ इस टाइप का बन जाएगा, ठीक है। इसको आप कम भी कर सकते हैं, ये थोड़ा सा कम करेंगे तो ये लाइट टाइप का बनेगा, ज़्यादा करेंगे तो ये डार्क टाइप का बनेगा, ठीक है। माइनस 21 पे रखना है, बाकी 100 100, ठीक है, 22 पे सॉरी रखना है, ठीक है। यहाँ तक हो गया, यहाँ पर आपका ग्रास वाट बिल्कुल रेडी है, लेकिन अभी तक आपने करना क्या, आपने आ जाना है ऊपर वाले लेयर में, एफएक्स में आना है, बेसिक में आना है, और यहाँ पर आप लोगों ने ग्लो लगा लेनी है, ठीक है। ग्लो आपने 0.6 और कलर सिंपली वाइट कर देना है, ग्लो लग गई। अब आप लोगों ने करना है कि इस लेयर को सेलेक्ट रखना है, एफएक्स में आना है और ड्रॉप एंड शेडो में आना है। इसका ब्लर आप लोगों ने 2 पे कर देना है और इसकी जो डिस्टेंस है ये 5 पे करनी है और एंगल इसका 135 पे कर देना है। जहाँ तक हो गया, फिर आपने सेकंड लेयर में आना है, यही सेम सेटिंग आप लोगों ने प्रोवाइड कर देनी है, सॉरी लगा देनी है। फिर आप लोगों ने यहाँ पर रहना है, फिर आप लोगों ने इस पर भी ये लगा लेना है, ठीक है। यहाँ तक हो गया, बाकी आप ये लेने आप जैसे आपकी मर्जी आप बनाना चाहें आप बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गया, यहाँ तक होने के बाद आपने इसकी एक डुप्लीकेट लेयर कर लेनी है और इसका ब्लेंड मोड यहाँ से ओवरले कर देना है और इसको आप लोगों ने मर्ज डाउन कर देना है, ठीक है। ओवरले आपने रखना है, ठीक है। यहाँ पर ओवरले करेंगे तो इस टाइप का बनेगा, लैटन रखेंगे तो इस टाइप का बनेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो इस टाइप का, आपने इसका ब्लेंड मोड नॉर्मल रखना है, ठीक है, ठीक है, नॉर्मल रख लिया। अब आपने इसकी फिर कॉपी कर देनी है, सेकंड लेयर की कॉपी करनी है और जो लास्ट लेयर है ना इसकी भी कॉपी कर लेनी और इसका ब्लेंड मोड यहाँ से ओवरले कर देना है, इसको नीचे ले आना है और ऊपर वाली लेयर का ब्लेंड मोड यहाँ पर मल्टीप्लाई भी रख सकते हैं, लैटन भी रखना चाहें आप रख सकते हैं, मैं लैटन रखूँगा। यहाँ पर आप देखें आपका कितना प्यारा और अमेजिंग टाइप का ग्लास बन गया। अब आप लोगों ने करना है कि सबसे ऊपर वाले लेयर में आना है, बाकी ये गोल टाइप आप ज़्यादा इसमें शोक भी कलर कर सकते हैं और इसमें फीका भी करना चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने प्लस पर आना है, फोटो लेयर में आना है। यहाँ पर मैं बारी बारी PNG ऐड करके आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मेरे पिक्चर वाले फोल्डर में PNG पड़े तो यहाँ पर मैं वो भाई ले लेता हूँ। सबसे पहले मैं ये वाला PNG लूँगा, ठीक है। ये वाला PNG का आज बहुत ट्रेंड चल रहा है, आजकल बहुत ट्रेंड जा रहा है, ठीक है। इस पर बहुत जो है ना लोग मतलब नेम बना रहे हैं, ठीक है। और ये वाला जंजीर टाइप का जो PNG है ये यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो मैंने इसको यार इस पर वीडियोज़ बनाऊँ क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट डिमांड की कि भाई इस जंजीर वाले के पे एक वीडियोज़ बनाएँ, ठीक है। यहाँ पर इसको मैंने लगा लिया। अब आप जैसे भी आप लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। यहाँ पर ये लग गया, लगने के बाद आप लोगों ने करना है कि इस ग्लास बॉन्ड का यार आजकल बहुत ट्रेंड जा रहा है, ठीक है। ये लोग बहुत ही फेसबुक ग्रुप पे प्रोफाइल के लिए ये नेम बना रहे हैं, ठीक है। और ये जंजीर जो है ना ये बहुत यूज़ हो रहा है, ठीक है। बाकी ये जो PNG हैं ये भी यूज़ हो रहा है, तो इसलिए सोचिए यार आप लोगों के लिए ये ग्लास बॉन्ड बना दूँ, ठीक है। ये अगर आप लोगों से डाउनलोड करने में कोई मसला करे तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर मुझे मैसेज कर दीजिएगा या इंस्टाग्राम पर, मैं आप लोगों को ये दे दूंगा, ठीक है। ये दूसरा PNG मैंने लगा लिया और यहाँ पर मैं आऊँगा और मैं तीसरा लगा लूँगा, ये लैंप वाला, ठीक है। ये देखें लैंप वाला बहुत ही प्यारा लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको भी मैंने ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद एक और इस पर PNG लगाना है, यहाँ पर मैं आऊँगा और ये वाला PNG मैं लगा लूँगा। बाकी लाइटिंग अभी तक हमने करनी है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने कैसे लाइटिंग करनी है, ठीक है। थोड़ा सा इसको संभाल कर लेंगे, संभाल करने के बाद ये देखना तकरीबन भाई बहुत ज़्यादा अच्छा और प्यारा लग रहा है, मैच हो गया है। लेकिन अब हम करेंगे क्या, अब हम यहाँ पर लाइट लेंगे, पिन्स वाला फोल्डर ढूंढ लेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं लाइट लूँगा, सबसे पहले मैं कौन सी लाइट लूँगा, येलो लाइट लूँगा। जितने PNG जो कुछ मटेरियल वगैरह मैं यूज़ करूँगा इन सब का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, ठीक हो गया। बाकी यहाँ पर मैं लाइट लगाऊंगा, किसी भी जगह पर आप लगाना चाहें आप लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं मिसाल के तौर पर आप लोगों को मेथड बता रहा हूँ, बाकी आप अदरवाइज़ जैसे मैंने लगाया आप लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको लगा लिया,
यहाँ पर मैंने इसको लगा लिया। अब यहाँ तक होने के बाद आपने एक वाइट पी लाइट लेनी है, ठीक है। तो बाकी लाइट लगाने का तरीका मेथड एक ही है, ठीक है, चाहे वो येलो या वाइट हो, ठीक है, इसका तरीका मेथड एक ही है। मैं फिर यहाँ पर आप लोगों को तरीका बता देता हूँ, हर वीडियो में मैं ये बात बताता हूँ। इसके बैकग्राउंड में ब्लैक आ रहा है, कुछ लोग जो है ना यहाँ पर डबल माइंडेड हो जाते हैं कि भाई इसके बैकग्राउंड में तो ब्लैक आ रहा है, ये कैसे ख़त्म करें। ख़त्म करने के लिए इसका ब्लेंड मोड यहाँ पर सिंपली स्क्रीन करना है, फिर एंड वाले ऑप्शन में ट्रांसफार्म पर क्लिक करके इसको पकड़ कर किसी भी जगह पर आप लगाना चाहें आप लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको लगा लिया, संभाल कर किसी भी जगह पर जो लाइट लगाना चाहें लगा सकते हैं। मैं मिसाल के तौर पर आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, सॉरी, मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे हो गया, यहाँ पे आपका देखें ग्लास वन रेडी है। अब आपने इस डन पर क्लिक कर देना है, डन पर क्लिक करके इसको सिंपली फ्रेंड सेव कर देना है। इसका सेव करने का तरीकाकार ये है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो फ्रेंड आज की हमारी पास यही थी वीडियो, अगर वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।